हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट 2024 में पास आउट करते हैं तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप का लाभ मिलती हैं और उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या जो है अप्लाई करने की प्रोसेस होता है और कैसे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आप जो है जैसे कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट की जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई है और इंटरमीडिएट में जो है आप जो है मिनिमम 5 प्रकार की जो है स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। वो स्कॉलरशिप कौन कौन सी आप ले सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगी, वो डिटेल्स आप देख सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो स्कॉलरशिप होता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है आपको जो है 15,000 रुपये की राशि मिलती है। दूसरा जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तहत यहाँ पे प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से जो पास करते हैं इंटरमीडिएट उनको जो है यहाँ पे राशि मिलती है। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप के तहत जो है आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो भी स्कॉलरशिप है वो आपको जो है इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक भी पास होते हैं उनको भी जो है स्कॉलरशिप की लाभ जो है मिलती है, पोस्ट मैट्रिक के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइट पर देख सकते हैं 2023 में भी आवेदन हुई थी, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, सभी के लिए, मैट्रिक के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए अलग जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री मेघावृत्ति के लिए, दोनों का लाभ जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है नेशनल स्कॉलरशिप के माध्यम से भी जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल स्कीम होते हैं, यूजीसी, AICTE स्कीम होता है, स्टेट लेवल की स्कीम होती है, जो आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी आपको लाभ जो है मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि इन सब स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास जो है, अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटरमीडिएट पास है तो मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद जाति आवासीय आय, आपको तीनों जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। जाति आवासीय आय अगर आप नॉर्मल मोड से बनाए हैं तो 1 साल से ज़्यादा जो है ओल्ड नहीं होना चाहिए, अगर तत्काल है तो वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो आप फ्रेश ही जो है जाति आवासीय आय बनवा लीजिएगा। उसके बाद जो है आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, वैलिड आधार कार्ड तो लमसम सभी के पास आधार कार्ड होंगे, मगर वैलिड का मतलब ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो उसमें आपका जो नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपके मैट्रिक इंटर के मार्कशीट के अनुसार मैच करना चाहिए। देखिए, अगर आपका डिफरेंस होगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में नेम या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, करेक्शन करने की रिक्वायर्ड है, तो उसको पहले आप सुधरवा लीजिए। साथ ही साथ आपको काम करना है कि आपके आधार में जो अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक्ड नहीं है तो वो आप लिंक करवा लीजिएगा आधार सेंटर जाके। और उसके बाद आपके पास जो है बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पार्टिकुलर आपके नाम पे होना चाहिए, उसमें भी आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है सही सही होनी चाहिए और आपका बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है आप कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो है आपको अप्रैल या मई से जो है स्टार्ट कर दी जाएंगे, इलेक्शन का टाइम है। तो देखिए, अप्रैल में अगर स्टार्ट होता है तो होता है, नहीं तो मई से जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है आप प्रिपेयर रखिएगा ताकि आपको जो स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो आपको आसानी से मिल जाए, किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है और अप्लाई करना है। तो टाइम ले होती हैं 1-2 महीना जो है स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे टाइम दी जाती है, जिसकी मदद से जो है आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि मैट्रिक का भी रिजल्ट जो है आपको 31 मार्च 2024 तक आने वाली है, तो दोनों के लिए जो है स्कॉलरशिप जो है 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अगर मैट्रिक भी पास होने वाले हैं तो आपको भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेंगी और इंटरमीडिएट वाले को भी मिलेंगी। तो सारे लोग जो है जाते वासी आए, अपना जो है आधार कार्ड अगर किसी तरह की मिसमैच है तो उसका करेक्शन करवा लीजिए, बैंक अकाउंट में अगर जो है आपका
बैंक अकाउंट आधार से लिंक ना है, तो वो भी जो है प्रोसेस आप जो है कंप्लीट करके रखिए, और आसानी से जो है आप meghasoft.phi.nic.in के वेबसाइट पे जो है आपको जो है ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट इस तरह से है scholarship.gov.in, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी pmsonline.bih.nic.in के वेबसाइट पे जो है आपको आवेदन करने का लिंक जो है प्रोवाइड की जाएंगी। इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे बताई गई है, वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि और छात्रों को जानकारी मिल सके और वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।